वंदे मातरम साथियों, आज का वीडियो बहुत ही ख़ास है क्योंकि इस वीडियो में राजीव भाई ने अपने एक अनुभव को साझा किया है। उन्होंने इस वीडियो में एक ऐसी दवा के बारे में बताया है जिससे उन्होंने लाखों मरीजों को ठीक कर दिया। वो दवा कौन सी है ये जानने के लिए आइए देखते हैं राजीव भाई का ये वीडियो। इसका माने इस भारतीय विद्या में कोई दम है और वो दम अगर हमको दिखाई दे जाए तो आत्मविश्वास हमारा लौट आएगा और हमारी हीन भावना कुछ कम हो जाएगी और हीन भावना कम हो जाए तो हम शायद दुनिया जीत लेंगे। गोस्वामी तुलसीदास ने एक बहुत अच्छी बात कही है, मन के हारे हार है मन के जीते जीत। जो मन से हार गया वो सब कुछ हार गया। आप मन से हारना बंद कर दो बहुत कुछ जीतने के लिए इस देश में। एक ताज़ा उदाहरण देता हूँ, आजकल भारत में एक खराब बीमारी घुस गई है चिकनगुनिया, लाखों लोग प्रभावित हैं। मैं 6 महीने से गांव-गांव घूम के उसका इलाज कर रहा हूँ और आपको सुनकर ताज्जुब होगा, ज़्यादा लोगों को इलाज में मैं एक ही बात बताता हूँ, तुलसी का काढ़ा पी लो, नीम की गिलोय होती है ना उसको भी उसमें डाल लो, थोड़ा सूंठ डाल लो, थोड़ी छोटी पीपर डाल लो, बस ये 4-5 चीज़ें और थोड़ा गुड़ डाल लो क्योंकि ये कड़वा इतना है कि पी नहीं पाओगे। इतने मात्र से 3 खुराक में बीमारी ठीक हो रही है। और जो एलोपैथी से कर रहे हैं ना, बोवेरॉन के 3-3 इंजेक्शन ठोक दो, डाइक्लोफेनेक दे दो और पैरासीटामोल भी दे दो, जो तुम्हारे पास है सब दे दो, 20-20 दिन से बिस्तर में पड़े तड़प रहे, 20-20 दिन से। अभी आज मैं आया भीलवाड़ा से और आने का देरी का कारण भी यही है कि वहाँ 1 लाख लोग चिकनगुनिया से पीड़ित हैं। वहाँ डॉक्टर आते हैं, राजीव भाई जरा बताओ ना, मैंने कहा अपना इंजेक्शन खुद क्यों नहीं ठोक लेते, कहते हमें मालूम है इसके साइड इफेक्ट क्या हैं, तो पेशेंट को क्यों नहीं बताते, इतने हरामखोर हो, तुम्हें मालूम है कि इसका साइड इफेक्ट क्या है, वोवेरॉन लगाएंगे तो क्या होने वाला है, मुंह में छाले हो जाएंगे, गले में छाले हो जाएंगे, अल्सर भी हो सकता है, तुम जानते हो, फिर पेशेंट को क्यों नहीं बताते, ये हरामखोरी तुम में कहाँ से आ गई। अपने को इंजेक्शन ठोकोगे नहीं, उसको ठोकते जाओ, तुम्हें मालूम नहीं है ठीक नहीं होगा, फिर पैरासीटामोल देते जाओ, डाइक्लोफेनेक देते जाओ, नोवलजिन के इंजेक्शन लगाते जाओ। और दुर्भाग्य से एलोपैथी ने ये सब नाम 20 साल पहले बैन कर दिए, वो कहते हैं डाइक्लोफेनेक खराब है, पैरासीटामोल तो और भी खराब है, नोवलजिन तो 1984 से बैन है यूरोप में और अमेरिका में, वही इंजेक्शन यहाँ ठोक रहे हैं लगातार। दुष्परिणाम है कि मरीज ठीक ही नहीं हो रहे। और मैं आपको मेरा अपना तजुर्बा बताता हूँ, आप में से कुछ विद्यार्थी होम्योपैथी के हैं, आप जानते हैं कि होम्योपैथी की बहुत सारी दवाएं आयुर्वेद से ही निकली, तुलसी है ना उसी से ओसीमम है, ओसीमम की 3-3 खुराक देके कर्नाटक में 70,000 रोगियों को चलता कर दिया और वो 20-20 दिन से एलोपैथी खा रहे थे, रिजल्ट नहीं आ रहा है। ओसीमम 200 की 3 खुराक सफिशियंट और आदमी 20 दिन से तड़प रहा है बिस्तर में, न नींद आ रही है न चैन मिल रहा है, इतनी उल्टियां हो रही हैं, बुखार उतर नहीं रहा है, सब तकलीफ है, 3 डोज दो खत्म कहानी, मैंने उसको फिर कुछ जरूरत ही नहीं। और फिर आज स्थिति यह है कि कर्नाटक सरकार ने हमारे ये कैंपों के रिजल्ट देखने के बाद अपने डायरेक्टर्स और जॉइंट डायरेक्टर सबको लाइन से लगा दिया, जाओ राजीव दीक्षित के पास सीखो उससे वो क्या दे रहा है और रिजल्ट क्यों आ रहे हैं। हमने 70,000 पेशेंट को दवा दी, 6 मरे और उन्होंने 1,22,000 को दी, उसमें से मुश्किल से 6 बचे। ये कर्नाटक का हाल है। कर्नाटक में चिकनगुनिया इतना बुरी तरह से फैला है, कोई गांव नहीं बचा जहां चिकनगुनिया ना हो। मेरी तो स्थिति यह है कि कार्यकर्ता कम पड़ गए, डॉक्टर कम पड़ गए, अगर मेरे पास 1,000-2,000 डॉक्टर होते तो हम कर्नाटक के उन लाखों लोगों को बचा लेते जो मर गए पिछले 6 महीने। महाराष्ट्र में भी यही है, रिजल्ट मिलते हैं उन दवाओं से तो भरोसा क्यों नहीं करें उनके ऊपर। ओसीमम तो तुलसी में से ही बनी है भाई, और तो क्या है, डाइल्यूशन फॉर्म में है बस इतना ही तो है, और तुलसी का काढ़ा समझ लो मदर टिंचर फॉर्म है उसका। तो
तो काढ़ा दे दो तो समझ लो मदर टिंचर दे दिया, और पोटेंसी में दिया तो डाइल्यूट करके दिया। और आप जानते हैं कि ये आयुर्वेद का ही सिद्धांत है कि औषधि की मात्रा जितनी कम रखो असर उतना ही अधिक है। होम्योपैथी तो इसी पे काम करती है। तो अपने विज्ञान में दम तो है, अपनी विद्या में दम तो है, बस इसका प्रचार करने की बात है। प्रचार कौन करेगा? आप करेंगे। और इसका सबसे सरल तरीका है वॉक 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 एंड टॉक टॉक टॉक, सबसे सरल तरीका। अगर आप इसका अपनी विद्याओं का प्रचार करना चाहते हैं, सरकार तो करेगी नहीं क्योंकि वो एलोपैथी के चंगुल में फंसी है। हमारी सरकार के दो मंत्रियों का तो मेरा तजुर्बा है पिछले 6 साल में, जब जब मैं उनके पास गया स्वास्थ्य मंत्री को मिलने के लिए, वो कहते राजीव भाई ये सब हमको समझता है, कर कुछ नहीं सकते क्योंकि ऐसा जकड़ के रख लिया है। तो मैंने कहा इसमें आग तो लगा सकते हो, आग ही लगा दो, हनुमान जी की तरह से रावण की लंका एक बार जल जाए, कम से कम कहानी तो खत्म हो जाए। तो कहते हैं उतनी हिम्मत अभी तक नहीं आई है, आ जाएगी तो वो भी लगा देंगे। तो उनमें तो आने से रही क्योंकि वो तो फंसे हैं अपने स्वार्थ में। आप इसको तैयारी करो, एक ना एक दिन ये विदेश से आई हुई चिकित्सा पद्धति के तंत्र को ऐसे ही उखाड़ के फेंकना है जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को उखाड़ के फेंका था हमने तो। क्योंकि ये जो विदेशी चिकित्सा पद्धति है इसमें कोई दम नहीं। मेरी आजकल दोस्ती हुई है अमेरिका के एक डॉक्टर से, उसका नाम है डीन ओर्निश। मैं कभी मेल करता हूँ, वो कभी मुझे मेल करता है। थोड़े दिन पहले उसने कहा कि आपकी एक बात से मैं सहमत हूँ कि एलोपैथी में कोई दवा नहीं है, कोई औषधि नहीं है, जो भी है जहर है, आप ले लो। फिर आपकी ताकत कितनी है जहर पचाने की, ये इस पर निर्भर करेगा कि आप ठीक होते हैं या मरते। वो कहता हमारे पास कोई औषधि नहीं, जहर ही जहर है, आप चाहो तो ले लो। तो मैंने कहा आपको ये बताया किसने? क्योंकि ये ज्ञान तो कोई आयुर्वेद का ज्ञाता ही दे सकता है। तो उसने कहा कि ये ज्ञान मुझे स्वामी शिवानंद से मिला। शिवानंद जी का नाम आप जानते हैं, महान तपस्वी महान योगी जिन्होंने भारत छोड़ दुनिया भर में आयुर्वेद के प्रचार के लिए काम किया, योग और प्राणायाम के लिए प्रचार का काम किया, उनसे सीखा डीन ओर्निश ने। अब डीन ओर्निश क्या कहता है? वो कहता है कि भारत की चिकित्सा पद्धति में इतना दम है कि लौकी के रस से हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट या ब्लॉकेज को रिवर्स किया जा सकता है सिर्फ लौकी के रस से। और वो क्या करता है, अमेरिका कनाडा में शिविर लेता है, 500-500 रोगियों को बुलाता है, स्त्री और पुरुष सबको, और एक ही बात बताता है लौकी का रस पियो। अब लौकी तो होती नहीं वहाँ, क्योंकि लौकी जो है ना ठंडे देश में हो नहीं सकती, तो लौकी यहाँ से जाती है। एक बार मैंने उसको ईमेल करके पूछा भाई आप लौकी कहाँ से मंगाते हैं, तो उसने कहा भारत से। भारत में कहाँ से? उसने कहा हैदराबाद के पास कोई गांव है, वहाँ के कुछ किसानों से मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, वो रोज़ लौकी बनाते हैं माने उगाते हैं, फिर हैदराबाद एयरपोर्ट से सवेरे की पहली फ्लाइट उड़ती है 3:30 बजे, उसमें लौकियाँ भर के जाती हैं। तो मैं गया वो गाँव देखने के लिए, तो वहाँ कुछ किसान हैं जिन्होंने उससे डील किया हुआ है, उनकी पूरे खेत में लौकी ही लौकी लगा रखी है, और उन्होंने गाय रखी हुई है, गाय का गोबर ही डालते हैं, क्योंकि डीन ओर्निश कहता है कि जो यूरिया का डाला तो लौकी काम ही नहीं आती, हाँ रिवर्सल नहीं होता, तो गाय के गोबर से लौकी बनाते हैं। और जो एक लौकी भारत में तो मुश्किल से 2 रुपए की बिकती हो, वो किसान डीन ओर्निश को 60-65 रुपए में एक एक लौकी बेचते हैं। डीन ओर्निश कहता है मुझे घाटा नहीं है क्योंकि ये मैं $50 में बेचता हूँ। $50 माने 50 × 45 एक लौकी बेचता है। और करोड़ों करोड़ों अमरीकी और कैनेडियन और यूरोप वासी उसकी लौकी का रस पी पी के ठीक हो रहे आते हैं। थोड़ा योग सिखा देता है, वो 1-2 चीज़ें जानता है, ज़्यादा उसको नहीं आती, अनुलोम विलोम सिखाता है वो, क्योंकि शिवानंद जी ने उसको कुछ सिखाया होगा, थोड़ा अनुलोम विलोम सिखाता है, थोड़ा भस्त्रिका करा देता है, लौकी का रस पिलवाता है और उसको ठीक कर रहा है। अब उसने किताब लिख मारी, देखो कैसे बेईमान लोग हैं, किताब लिख मारी और दुनिया में अथॉरिटी हो गया, डीन ओर्निश लौकी पर अथॉरिटी हो गया, सारी दुनिया मानती है कि ये लौकी का विशेषज्ञ है।
लेकिन दुनिया जानती नहीं है कि विशेषज्ञ तो स्वामी शिवानंद थे जो उसको फोकट में ये सिखा गए, अब उसने इसको धंधा बना दिया। और ये डीन ओर्निश अकेला नहीं है, यूरोप और अमेरिका में अब बहुत डॉक्टर ऐसे हैं जो ये कहते हैं बैक टू द नेचर, हमारे पास दवा नहीं है, हमारे पास औषधि नहीं है, जो है तो प्रकृति में है, पेड़ पौधों में है, जड़ी बूटियों में है, वो वहाँ लौट रहे हैं और आने वाला समय उन्हीं का है। जर्मनी की सरकार एक यूनिवर्सिटी बनाने जा रही है $100 अरब के खर्चे से, जो सिर्फ आयुर्वेद पे ही काम करे। अमेरिका की सरकार अरबों डॉलर इन्वेस्ट कर रही है, क्योंकि अमेरिका की सरकार जानती है 20 साल के बाद यही चलने वाला है, तो धड़ाधड़ पेटेंट ले रहे हैं, हल्दी पे ले लो, इस पे ले लो, इस पे ले लो, और हम अभी भी गहरी नींद में सो रहे हैं। अगर दम नहीं होता हल्दी में तो अमरीकी सरकार ने 33 पेटेंट कैसे ले लिए, दम नहीं होता काली मिर्च में तो वहां 22 पेटेंट हैं काली मिर्च पर, और सबसे लेटेस्ट पेटेंट पता है काली मिर्च का क्या है, कि इसको चूसो तो खांसी ठीक हो जाती है, अमेरिका ने इस पर पेटेंट किया हुआ है कि काली मिर्च को चूसने मात्र से खांसी ठीक हो जाती है। ये तो हमारे देश में लाखों माताएं बहनें रोज करती हैं, सब जानते हैं कि काली मिर्च को चूसो तो खांसी ठीक हो जाती है, उन्होंने पेटेंट करा लिया इस पर, हमें मालूम ही नहीं है। अब तो गोमूत्र पर पेटेंट करा ले रहे हैं वो, तो वो तो लूट रहे हैं हमारी संपत्ति को, हम सो रहे हैं अभी भी कुंभकर्ण की नींद में। तो मैं आपसे कहने आया, जागो, इस भारतीय चिकित्सा व्यवस्था का प्रचार करो, और इतना प्रचार करो कि ये एलोपैथी बह जाए यहाँ से, क्योंकि हमें ये चाहिए नहीं और इसकी हमें आवश्यकता भी नहीं है। बहुत लोग कहते हैं जी कुछ तो आवश्यकता है, कहाँ, सर्जरी में, तो हम सर्जरी अपनी लाएंगे, यूरोप वाली सर्जरी में क्यों जाएंगे, हमारे यहाँ जो सर्जरी होती थी 200 साल पहले उसको रिवाइव करेंगे, उसके स्कूल खोलेंगे, उसके कॉलेज खोलेंगे, कहीं ना कहीं गांव में कोई ना कोई विशेषज्ञ मिलेगा, उसको गुरु बनाएंगे, उससे सीखेंगे, वो आगे सिखाएगा सबको। तो हम तो अपनी चीज़ें पे जाएं, उनका भरोसा करें, उनको प्रचारित करें और इनको आगे बढ़ाएं। ये ताकत आप सब में है, बस आप एक बार संकल्प लेके काम करो। आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम।